करनाल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेम नगर में 7 दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर 3 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इस अवसर पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। योग कला विज्ञान दर्शन का बेजोड़ उदाहरण है। योग में समूची मानवता को एकजुट करने की अद्भुत शक्ति है। योग हमें अपनी महान संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। जब योग जीवन का हिस्सा हो जाता है तो आयु, विद्या, यश और बल एक साथ बढ़ने लगते हैं। उपायुक्त ने योग परिषद हरियाणा व शिक्षा विभाग के सौजन्य से आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर का दीप प्रज्वलित के दौरान मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस शिविर में डीपीई, पीटीआई व अन्य उपस्थित अध्यापकों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पानीपत से संबोधित किया। इसके अलावा हिसार के योग प्रशिक्षक मुकेश, पंचकुला के डीपीई योग प्रशिक्षार्थी डॉक्टर शमशेर सिंह तथा झज्जर जिला से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसोर खेड़ी की योग में स्टेट अवार्ड विजेता छात्रा सोनिया से योगा के अनुभव साझा किए। चंडीगढ़ से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर रजनीश गर्ग, हरियाणा योग परिषद के योग अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य तथा पंचकुला से शिक्षा मंत्री कंवर पाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी योग के महत्व पर प्रकाश डाला। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आगे अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योग एवं व्यायामशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत सभी गांवों और शहरों की बस्तियों में योगशालाएं खोली जा रही हैं। इसके अलावा गांव-गांव में खेल स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को गांव में ही अच्छी खेल सुविधाएं मिल सके और वे देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आए। योग परिषद के जिला कोऑर्डिनेटर राव सूर्यदेव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए योग के महत्व के बारे में जानकारी दी और कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और कार्य, अवरोध और सिद्धि को साकार रूप प्रदान करता है। व्यक्ति और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनता है। इसमें केवल व्यायाम नहीं, प्राकृतिक और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है। जिला शिक्षा अधिकारी चौधरी राजपाल ने अतिथियों का धन्यवाद करते हुए बताया कि हरियाणा योग परिषद की ओर से अध्यापकों को योग का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी 3 दिसंबर तक जिला में साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 293 स्कूलों से 251 अध्यापक भाग लेंगे। साप्ताहिक प्रशिक्षण शिविर के 3 ग्रुप बनाए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को योग क्रियाओं के अलावा योग पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करवाया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर गौरव कुमार, रोहतास वर्मा, सपना जैन, संदीप कौर, किरण परमिंदर सिंह समेत कई मौजूद रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।